ये देखो कितना प्यारा सा रिसेप्शन है और भाई यहाँ पे इनका टाइटल नेम लग रखा है। तो कैसे हो दोस्तों, पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। सो दिस टाइम आई एम बैक विद माय अदर व्लॉग। तो आज ये नए साल का मेरा पहला व्लॉग होगा क्योंकि इस बीच थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है तो व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो ये आज था सैटरडे संडे, तो मैंने कहा बढ़िया से घूम के आते हैं और आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ ना कि बहुत सारे लोग जो ट्रैवलर्स होते हैं या जो नहीं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं तो उनके लिए एक बढ़िया सी लोकेशन लाया हूँ, या कोई कपल्स आना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया सी लोकेशन लाया हूँ, या एक ग्रुप मतलब 7-8 लोगों का ग्रुप आना चाहता है और वो स्टे करना चाहता है अल्मोड़ा में बेस्ट लोकेशन पर, जहाँ पर आप लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाओ, बहुत सारा इन्जॉय कर पाओ और बहुत ही रीजनेबल प्राइस आप लोगों को पड़े और रूम एकदम भाई बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन, वॉशरूम बहुत ज्यादा अच्छा और सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आप लोगों को जब अभी मैं रूम से स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग को, जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको बाहर जाके बताऊंगा। और मैंने कहाँ स्टे लिया है ऐसी लोकेशन में, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि ऐसी लोकेशन में कभी मैं स्टे लूँ और फाइनली मैं हूँ द हॉस्टेलर कसार देवी पे। और ये ना इंटीरियर से लेकर और लोकेशन इतनी ज़्यादा प्यारी है वो बाहर जाके दिखाता हूँ। बॉन फायर या आपको गेम्स खेलने हैं या आपको कैफेटेरिया में बैठना है तो भाई बुक्स पढ़नी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कॉन्सेप्ट यहाँ का यूनिक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपका रूम टूर से। इसकी लोकेशन जो होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन मैं मेंशन कर दूंगा, बाकी डिटेल आगे जाके बताता हूं। तो मेरे साथ लवेश भी आया था, लवेश देने गया है एग्जाम अल्मोड़ा में, तो मैंने कहा कि यहां का एक बढ़िया सा व्लॉग बनाया जाए जिससे आप लोगों को एक बढ़िया सी लोकेशन के लिए चिल आउट करने के लिए पता चल जाएगा। तो भाई यहां पे जो मेरा बेड जो था वो ये वाला ऊपर वाला था, इस टाइप से प्रॉपर चार्जर भी है, सारी चीज़ें हैं, लाइट है वहाँ पे पर्टिकुलर, ये लवेश वाला था। और ये प्रॉपर नीचे आपके छोटे छोटे रैक्स होते हैं जिसमें आप कपड़े वपड़े सारी चीज़ें रख सकते हैं। और यहाँ पे शूज़ रखने के लिए वॉशरूम भी है, सेपरेट है दोनों। ये जो है 8 बेड के साथ है यहाँ पे, अगर आप लोग 7-8 लोग आते हो तो पूरा बुक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो भी आप बुकिंग करोगे ना वो सारी की सारी ऑनलाइन करोगे, चेक इन जो करोगे वो भी ऑनलाइन करोगे, फूड भी जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन करनी पड़ेंगी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ बाहर पे और इसका ना स्टार्टिंग डोर मुझे काफी बढ़िया लगा, नमस्ते ट्रेवलर। तो भाई बाहर से इतना ज्यादा बढ़िया लगता है ना, बस ये मुझे लगता है कि तारों ने मतलब इसका थोड़ा सा ब्यूटी बिगाड़ दी है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी, प्रॉपर पार्किंग भी है, ये पार्किंग स्पेस काफी बड़ा है और पार्किंग मतलब स्पेस काफी ज्यादा है। आप लोगों को टेंशन नहीं है कि गाड़ी रोड पर खड़ी रहेगी, कहीं भी रहेगी, ये पार्किंग का बोर्ड भी लगा है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हॉस्टलर की एंट्री और ये देखो कितना प्यारा सा रिसेप्शन है और भाई यहाँ पे इनका टाइटल नेम लिख रखा है। और यहाँ पे ना आप लोग को ये सारे QR कोड को स्कैन करना पड़ता है जिससे आप लोग चेक इन कर सकते हो, ये QR कोड को यूज़ करना है और कैफ़े से कुछ मंगाना है तो ये QR को यूज़ करना है, तो अनबॉक्स कैफ़े कसार करके। और जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं ना, एक तो लाइटिंग इतनी ज़्यादा प्यारी है और पूरा इंटीरियर ना वुडन का है और गेमिंग के लिए आपको देखो बढ़िया से है कि स्टार्टिंग में गेमिंग खेलने के लिए फुटबॉल मिल जाता है। और यहाँ पर ना सारी चीज़ें मैंशन करी गई हैं जैसे सोर्स ऑफ फन, आप लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, नियर बाई प्लेसेस में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैफ़े की टाइमिंग कितनी है, सनराइज़ आप लोग को देखना है तो कितने बजे आप जा सकते हैं, किस लोकेशन पे जा सकते हैं। और अगर आपको बुकिंग करनी है तो सारी चीज़ मेंशन है, booking.com, MMT, GoIBIBO, सारी चीज़ें मेंशन करी। ये है अपना छोटा सा बुक सेक्शन जहाँ से आप लोग बुक रीड्स कर सकते हो और ये एक सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप लोग अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें कर सकते हो। भाई इंटीरियर देखे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे और यहाँ पर कॉमन वॉशरूम भी है। ये भाई यहाँ पर ये प्लेस मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, फाइंड पीपल ऑन दी सेम वेवलेंथ, भाई कितना सही है यार।
जो है हम ऊपर वाले फ्लोर में आया हूँ। ऊपर वाले फ्लोर में अगर आप देखोगे ना, ये जो सीट्स है ना कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और कल रात हम लोग ने करा था यहाँ पर डिनर इस व्यू के साथ। अभी तो सुबह तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है बढ़िया सा, और शाम को एकदम लाइटिंग के साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पर बेस्ट चीज़ मुझे जो लगी ना, आप अपना लैपटॉप लेके आओ, प्रॉपर प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हो एक्टिविटीज़ करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं ऊपर, गिटार यहाँ पर अवेलेबल है और आपका वो डपली भी अवेलेबल है। तो हम लोगों ने कल रात क्या करा था ना, यहाँ पर डपली बजाई थी और बहुत बढ़िया बढ़िया डांस करा था। मतलब ये वाली ये फ्लोर को दिखाने के बाद ना वो क्लिप लगा दूंगा। मतलब मस्ती करने के लिए ना द हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे गेम्स हैं, ये सिटिंग एरिया है। कल रात यहाँ पर कुछ पार्टी वार्टी चल रही थी और ये यार ये मेरा फेवरेट था। ये मुझे कॉन्सेप्ट लग रहा था ना कि घर पर बना सकते हैं, लेकिन ये जो है ना बहुत सॉलिड होना चाहिए तभी तभी ये मेरा वेट ले पाएगा। और हम लोग ने ये भी प्ले करा, आपको अगर बाहर बैठ के अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी करना है, एक एरिया ये है। इसके बाद आप लोगों को मैं प्राइवेट रूम का एक टूर कराऊंगा कि प्राइवेट रूम के क्या प्राइस पड़ते हैं। इधर पे एक सेटिंग है आपके पास, आप लोग बढ़िया से यहाँ पे कैरम भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ना जो प्राइवेट रूम्स होते हैं ना, उसका मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। और जब भी आप लोग आओगे ना यहाँ पे हिमांशु भैया मिलेंगे। भैया का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा। ये थर्ड फ्लोर का है ना कॉमन एरिया, यहाँ से नीचे का व्यू तो जब अभी धुंध है ना तो उतना क्लियर नहीं आ रहा ना वैसे। ओके तो मतलब ऐसा कुछ भी है जितना हम हाइट पे रूम लें और उसका डिफरेंस रहता है। तो यहाँ से लाइक ऊपर से व्यू इस तरफ हिमालयस पूरे क्लियर दिखते हैं। बिलाल 204 रूम नंबर का एक चंद्रशीला रूम का नाम है। तो हर रूम का नाम अलग अलग है। हिमालयन पीक्स के नाम पे वही देख लो। इंटीरियर बहुत ज्यादा बढ़िया है और इसमें बालकनी भी है भाई। बेड एकदम बहुत मतलब अच्छे से आए। बालकनी काफी बड़ी है, स्पेस काफी ज्यादा है ना इसमें से। और ये वॉशरूम भाई सबसे ज्यादा ना लोग पहले वॉशरूम ही देखते हैं कि कितना क्लीन प्रॉपर। इस साइड से देख लो तो भाई इसमें गीजर भी आपको मिल जाएगा। वैसे क्या प्राइस पड़ता है वैसे? ये पड़ता है अभी हमें एक डिपेंड करता है सीजन वाइज और ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। ओके तो जो इसका जनरल प्राइस रहता है वो रहता है 2,000 to 3,000 के बीच में और अगर नॉर्मल सीजन में। एंड पीक टाइम जैसे न्यू ईयर रहता है या क्रिसमस रहता है तो उस टाइम पे प्राइसेस थोड़ा सा हाई होते हैं, ऑब्वियसली सब जगह होते हैं। ओके तो ये प्राइवेट रूम का प्राइस ऑलमोस्ट इतना रहता है। मतलब 2,000 to 3,000 रुपए जनरल जो प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से बुक कर रहे हो। तो अब ये मान के चलो 1,500 to 2,500 के अप्रॉक्स जनरल सीजन। और वैसे आप लोग जैसे सपोज किसी ने तीन लोगों ने एक रूम बुक करा तो आप लोग एडिशनल बेड उसको प्रोवाइड कर देते हो? उसमें एडिशनल बेड हम प्रोवाइड कर देते तो उसके कोई चार्जेस ऐसा चार्जेस रहते हैं अराउंड 400 to 500 रुपीज। तो वो इसी में हम ऐड कर देते हैं बाकी उस पर ये जो ये वाली प्रॉपर्टी कितने रूम की है? हमारी प्रॉपर्टी जो है वो 8 रूम्स की है अभी। यहाँ पे 8 प्राइवेट रूम्स हैं, बाकी हमारे पास उसके अलावा एक 8 बेड डॉर्म है और एक 10 बेड डॉर्म है। ओके तो वो डॉर्मेटरीज भी हमारे पास नीचे में, बाकी उसके अलावा उनका प्राइस क्या रहता है अप्रॉक्स जनरल प्राइस? अच्छा, डॉर्मेटरीज का जो जनरल प्राइस रहता है वो रहता है अराउंड लाइक विद इन 500 के आसपास। 500 विद इन 500
आपका आपका 8 बेडरूम और 10 बेडरूम का प्राइस रहता है जनरल। जनरल ये मतलब सिटी से कितना दूर है? देखिए ये अल्मोड़ा सिटी से अराउंड 7-8 किलोमीटर के आसपास है, 8 किलोमीटर। बाकी हल्द्वानी से अराउंड आपका 80 किलोमीटर के आसपास। भाई मैंने मॉर्निंग में ऑर्डर कर रखा है, ये है आपका पोहा एंड कॉफी। भाई पोहा और जो पैकिंग करके आता है ना, उस टाइप से आता है कुछ, और इसको अनबॉक्स करने के बाद बढ़िया से पोहा है, केचप और नींबू था। और ये भाई आप लोग को दे दिया हमने रूम टूर, और वो भी प्राइवेट रूम, डीलक्स रूम था वो। और ये ना मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि इन्होंने थोड़ा थोड़ा कपड़े अपड़े काट के एक डिज़ाइन टाइप का बना दिया। और यहाँ पे चल रही है मोटर जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। और ये ना शाम को बॉनफायर करने के लिए, और ये प्रॉपर सुबह आप ब्रेकफास्ट करना चाहो या कुछ भी करना चाहो, बॉनफायर के लिए बहुत बढ़िया लोकेशन है। शाम को लाइटें जलती हैं अभी। और यहाँ पर ना बढ़िया सा झूला है जो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। ये देखो भाई इतना बड़ा झूला है, इसमें टॉम 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 टॉम। और यहाँ पे भी एक सेटिंग वाला एरिया है। और भाई इतने बढ़िया बढ़िया रूम्स हैं ना, और ऊपर सारे प्राइवेट रूम्स हैं, और यहाँ सारे शेयरिंग्स पे हैं। भाई देखो शाम को कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई, लाइटिंग ना मतलब निखार के लाती है सारी चीज़ें और आसपास, और मौसम इतना ज़्यादा साफ है ना। और अल्मोड़ा में ना भाई इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं जितना अपना हल्द्वानी हल्द्वानी साइड है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड अभी तो नहीं लग रही है। तो इसी के साथ याली प्रॉपर्टी को करते हैं बाय, और ऐसी लोकेशन बढ़िया बढ़िया लोकेशन में और भी आप लोगों को दिखाते रहूँगा। कहीं भी आना है तो इसका जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कसार देवी से 700 मीटर 800 मीटर पहले। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।